वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज देखिए यहाँ पर हम एक डाइस क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें ये सारे डॉट्स जिसे पाइप्स कहते हैं, ये किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आज हम सीखेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो एक डॉट्स है और सेम ऐसा ही सब इन सारी फेस पर हम अप्लाई करेंगे, वो भी शॉर्टकट तरीके से कॉपी पेस्ट करके। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच और हमें यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पर डायमेंशन इसका 6 mm हम अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर इसकी हाइट हम अप्लाई करेंगे ब्लाइंड कंडीशन में 6 mm और फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इसकी बैक साइड को हम यहाँ पे आगे ला देंगे। अब इस वाली फेस को, इस एज को, इस एज को और इस एज को, इन तीनों एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिलेट में जाना है। फिलेट में देखिए यहाँ पे वेरिएबल फिलेट आपको ये सिलेक्ट करना है। अभी हम इसे क्लियर कर देते हैं और ये वाली फर्स्ट एज, फिर सेकंड एज और थर्ड एज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 बॉक्स आ रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर अनअसाइन इसमें आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इसकी साइज अप्लाई करनी है 0.5, फिर सेकंड वाली 0.5, फोर्थ में भी हम 0.5, इस तरह से यहाँ पे चारों बॉक्स में हमें 0.5 अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 0.5 इस तरह से इसकी फिलेट यहाँ पे शो हो रही है हमें। इसका प्रीव्यू इस तरह से हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे कम डाउन आना है, स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए सर्क्यूलर यहाँ पे 3 नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पर हम इसका जो कॉर्नर फिलेट है उसमें हम 3 mm अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर इस बॉक्स में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है इस तरह से और डायरेक्टली ऐसे ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक फिलेट हमारी अप्लाई हो गई है आइसोमेट्रिक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मिरर में जाना है। मिरर में यहाँ पर हम इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी मिरर, ये देखिए बॉडी मिरर में आपको जाना है, इस बॉक्स में इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी मिरर फेस प्लेन, यहाँ पर इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है और इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसका शेप ये स्क्वायर में इस तरह से हमें दिखेगा। अब फिर से हम मिरर में जाएंगे, मिरर में हमें इस बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे बॉडी टू मिरर, तो इस बॉडी को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये हमारा क्यूब क्रिएट हो गया है। इसके शेडेड हम क्लियर कर देते हैं तो हमें इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच। अब हमें यहाँ पे डॉट्स अप्लाई करने हैं जिसे पाइप्स कहते हैं, पाइप्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके। फिर यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब इसका डायमेंशन यहां पर देखिए, डायमेंशन अप्लाई करने से पहले हम इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल कर देंगे। फिर यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 9 mm। अब यहां पर इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है जो रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया था, इसे सिलेक्ट करना है और फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में हम इसको ड्रॉ करेंगे।
अब हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट, फिर सेकंड, यहाँ पे 7 सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 7 सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब किसी भी एक सर्कल की साइज हम अप्लाई करेंगे 2.5 mm। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर इन्हें इसे सिलेक्ट करना, इन सारे सर्कल को सिलेक्ट कर देना है हमें। आप कंट्रोल की होल्ड करके फिर इन सारे सर्कल को सिलेक्ट कर देना है हमें, फिर यहाँ पर इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद ओके कर देना है। तो देखिए ये सारे सर्कल की साइज 2.5 हमें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हमें इस सर्कल को, इन सारे सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन पर्पज़ की के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं। सिर्फ सिंगल होल ही हमें यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ पर हम फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे कर्व वाले ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्प्लिट लाइन का एक फीचर मिलेगा, उसे सिलेक्ट करना है। स्प्लिट लाइन, ये स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट यहाँ पे हो गया है। सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पर फेस को सिलेक्ट करना है, इस फेस पर हमें स्प्लिट करना है और फिर ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया है। हम इसका मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। एडिट, एडिट मटेरियल में जाके हम यहाँ पर यहाँ पे इसका मटेरियल प्लास्टिक में पॉलिस्टर रेसिन और फिर अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। कलर चेंज कर देते हैं इसका, इसका कलर हम रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये क्यूब हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फीचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेन्यू बार है इसमें इंसर्ट वाले मेन्यू में जाना है और फीचर में जाना है। फीचर में आपको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डोम वाला फीचर एक्टिवेट करना है। अब डोम वाले फीचर में हमें कौन सी फेस सिलेक्ट करनी है, तो ये जो होल हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था इसे सिलेक्ट करना है। बट देखिए ये रिवर्स साइड में, बाहर की साइड में ये डोम यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली रिवर्स कर देंगे और यहाँ पे इसकी साइज 0.75। यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। डोम को सिलेक्ट करेंगे, फिर एडिट अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर देंगे वाइट। अब हमें देखिए यहाँ पे इस स्पेस पर वन होल यहाँ पे कर दिया हमने, पाइप क्रिएट कर दिया है वन पाइप। फिर अब इसकी बैक साइड में हम यहाँ पे एडिट स्केच, इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद स्केच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमें स्केच कौन सा ड्रॉ करना है, तो जो स्केच हमने बैक साइड में क्रिएट किया था उस स्केच को क्या करना है, यहाँ पे फीचर मैनेजर ट्री में जाना है, स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी कर देना है। तो देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरह से कॉपी हो जाएगा। फिर सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर किसी भी एक होल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी साइज अप्लाई कर देंगे 2.5 mm। और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट 9 mm। तो इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर होल कितने सिलेक्ट क्रिएट करने हैं, यहाँ पे अप्लाई कितने करने हैं, इसे कंस्ट्रक्शन के पर्पस पर यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर इसके अपोजिट में वन पाइप है, तो इसके अपोजिट में हमें 6 कर देना है। तो ये फर्स्ट सेकंड 6 होल हमें सिलेक्ट करने हैं और इन्हें फॉर कंस्ट्रक्शन अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। तो फिर से फीचर में जाएंगे,
स्प्लिट लाइन, स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे, हर फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 पाइप्स क्रिएट हो गए। अब मैंने यहाँ पर 6 ही पाइप अप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वन पाइप यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। अब मैं आगे आपको बताऊँगा यहाँ पे कितने करने हैं और इसके अपोजिट में कितने करने। हम 7 का कैलकुलेशन करके चलेंगे, उस हिसाब से ये क्यूब क्रिएट होता है, ये डाइस उस हिसाब से ही बनाया जाता है। तो फिर से हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो डोम फीचर यहाँ पे अप्लाई किया था उस डोम फीचर को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी करना है और फिर इस फेस को, इन सारी 6 जो सर्कल है उन्हें सिलेक्ट करना है और फिर एक एक करके कंट्रोल वी करना है, यानी कि पेस्ट करना है। फर्स्ट कंट्रोल वी, सेकंड कंट्रोल वी, 3, 4, 5 एंड 6, 6 बार आपको कंट्रोल वी करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 डॉट्स अप्लाई हो गए हैं। अब फिर से इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से वही हम स्केच यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पे ये वाला स्केच यहाँ पे आ गया है। अब हमें यहाँ पर कितने होल करने हैं, तो हम यहाँ पर 4 प्लस इसके ऑपोजिट में 3 करेंगे, या फिर यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पर 2 करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 5 होल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं या 4 कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका स्केच फुली डिफाइन करना है हमें, तो इसके लिए हम इसकी साइज अप्लाई कर देंगे 9 mm, ओके, एंड देन यहाँ पर इसकी सर्कल का डायमीटर 2.5 और ओके करना है। तो फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, यहाँ पे 4 होल हम अप्लाई करेंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन अनचेक कर देना है और यहाँ पर इस वाले होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे 4 कंस्ट्रक्शन कर देना है। जितने भी होल हमें यहाँ पे, जितने भी पाइप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतने होल हम अनचेक करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन का है, और दूसरे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से हम फीचर में जाएंगे और यहाँ पर कर्व वाले फीचर में स्प्लिट लाइन और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर से डोम फीचर को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट अप्लाई हो गए। फिर यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से स्केच कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पाइप क्रिएट करेंगे। अब हमें इस होल को और इस होल को सिलेक्ट करके अनचेक कर देना है फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर से हम फीचर में जाएंगे, स्प्लिट लाइन, फेस को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, डोम फीचर कॉपी करेंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करना है। जितने होल हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं उन होल को सिलेक्ट करने के बाद उतनी बार ही हमें कंट्रोल वी करना है, यानी कि पेस्ट करना है। 4 और 3 7 हो गए और फिर यहाँ पे 6 प्लस 1 7, तो अब हमें 5 प्लस 2 यहाँ पे अप्लाई करने हैं। फिर से स्केच को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी, ओरिजिन पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देंगे इसको कोइंसिडेंट, और यहाँ पे इसकी साइज अप्लाई करेंगे। अब हमें 4 होल सिलेक्ट करने हैं, फीचर में जाना है, स्प्लिट लाइन, फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फेस ही सिलेक्ट करनी है क्योंकि स्केच आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, और ओके, कॉपी डोम फीचर कॉपी करना है, डोम फीचर को फेस को सिलेक्ट करना है,
फाइव बार यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। अगर फाइव बार नहीं हो रहा है तो फिर से यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। अब इस बैक साइड वाली फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट करना है हमें और कुछ नहीं करना है, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह के किसी भी डिजाइन को आप करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज कर सकते हैं, इससे काम आपका जल्दी हो जाएगा। कोई भी डिजाइन है उनके फीचर वगैरह एक ही एक उसी तरह के फीचर कोई भी है उसे वापस यूज करना है तो इस तरह से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कि कॉपी पेस्ट से आप कर सकते हैं, इजीली आपका स्केच कोई भी डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर टू नंबर के सर्कल हमें क्रिएट करने हैं, टू नंबर ऑफ पाइप, तो इन्हें फॉर कंस्ट्रक्शन और फिर से इस होल को कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टू पाइप्स अप्लाई करने हैं। फीचर एक्टिव फीचर टैब में जाना है, फिर स्प्लिट लाइन फेस को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। अब डोम फीचर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी फेस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डाइस हमने क्रिएट कर दिया है। देखिए यहाँ पे फोर नंबर और इसके अपोजिट साइड में थ्री यानी कि सेवन हो गए, यहाँ पे फाइव टू सेवन एंड वन अपोजिट सिक्स सेवन। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट डाइस हमने क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के डिज़ाइन और प्रोजेक्ट और इस तरह के सॉलिडवर्क्स के ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।